प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे हैं। पीएम मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण के दौरान 18 नवंबर और 19 नवंबर को ब्राजील में होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। पीएम मोदी 17 साल के अंतराल के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश के अपनी पहली यात्रा पर रविवार सुबह नाइजीरिया की राजधानी पहुंचे थे। अपनी यात्रा के समापन के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्पादक यात्रा के लिए नाइजीरिया को धन्यवाद। यह भारत और नाइजीरिया की मित्रता को मजबूत और स्फूर्ति प्रदान करेगा। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ब्राजील में भारत प्रवासी समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में एक होटल के बाहर एकत्रित हुए। उन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। ब्राजील में भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि उनसे व्यक्तिगत रूप में मिलना सम्मान की बात है, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। ब्राजील में भारतीय समुदाय की एक सदस्य रीमा ने कहा, मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ, मुझे हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है। वो पहले प्रधानमंत्रियों में से एक है जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने देश को दूसरे स्तर तक पहुंचाया है। ब्राजील में भारतीय समुदाय के एक सदस्य प्रदीप धोटे ने कहा कि हम यहाँ पर खास तौर पर पीएम मोदी से मिलने आए हैं, हम बहुत उत्साहित हैं। ब्राजील में भी उन्हें वैसा ही स्वागत मिलना चाहिए जैसे उन्हें हर जगह मिलता है। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी के सामने ब्राजील के वैदिक विद्वान वैदिक मंत्रों का जाप किया गया। भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा, हम इस पल के लिए वास्तव में बेहद उत्साहित हैं। हम वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के नेता से मिलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले नाइजीरिया में राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी रविवार की तड़के नाइजीरिया के राजधानी पहुंचे थे। बीते 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नाइजीरिया यात्रा थी। यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, सार्थक यात्रा के लिए नाइजीरिया को धन्यवाद देता हूँ। यह यात्रा भारत और नाइजीरिया की मित्रता को और मजबूती और प्रोत्साहन देगी। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के अबुजा की सार्थक यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ नाइजर GCOAN से सम्मानित किया गया। वे सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान मिला था। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के तहत नाइजीरिया में थे। उनका अंतिम गंतव्य गुयाना होगा। रियो डी जेनेरियो में 18-19 नवंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।